Hey guys, what is up? मैं आपको बताऊंगा कि द गॉन गेम जो कि वूट पे रिलीज हुई है नई वेब सीरीज वो वर्थ वॉचिंग है भी या नहीं और उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो गाइस सीरीज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब इंडिया में कोरोना वायरस की स्टार्टिंग हुई थी, जब कोरोना इंडिया में आया था तब मतलब एक मुंबई में एक कपल थे जिसका जो हस्बैंड है साहिल गुजराल वो बैंकॉक से मुंबई आता है वापस, तो वो अपने आप को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करता है और फिर मतलब जो होता है आगे कि उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, उसको पता चलता है कि मेरे अंदर कोरोना के सिम्टम्स है, तो वो डॉक्टर से बात करता है और हॉस्पिटल शिफ्ट होता है। फिर हॉस्पिटल वालों से उनको पता चलता है कि साहिल की डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। फिर आगे उनको पता चलता है कि साहिल किडनैप हो चुका है, हॉस्पिटल पहुँचा ही नहीं। फिर आगे पता चलता है कि साहिल का मर्डर हुआ है। तो यार बहुत सारी मिस्ट्री है साहिल को लेकर और ये पूरी सीरीज साहिल के इर्द अराउंड ही चलेगी पूरी स्टोरी। तो इस सीरीज़ में जो साहिल की मिस्ट्री है वो आपको जानना है तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी यार। तो बात करता हूँ मैं इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो गाइज़ अच्छी बातों में ये है कि कोरोना वायरस की जो इंडिया में स्टार्टिंग हुई थी वहीं से पूरी सीरीज़ दिखाई है, जनता कर्फ्यू लाइट वाला जो दिन था वो छत पे जाके लाइट जलाना वही सब, तो वो सारे इसमें सीन है, पूरी कोरोना वायरस की जर्नी है, कैसे इंडिया में केसेस बढ़ रहे थे वो सब भी है और बहुत मतलब जिससे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी कोरोना वायरस की वजह से वो प्रॉब्लम्स भी हमको दिखाई है। और गाइज़ सबसे अच्छी बात ये है कि सारे टैलेंटेड एक्टर से सीरीज़ के अंदर किसी की भी आपको ओवर एक्टिंग देखने को नहीं मिलेगी और सब ने अपने घर से काम किया है, अपने अपने घर से और पूरी सीरीज़ कंप्लीट की। और आपको बता दूं कि ये सीज़न वन के बाद सीज़न टू भी आएगा सीरीज़ के एंड में, आपको पता चल जाएगा। और गाइस सीरीज़ में ऐसा सस्पेंस है कि जो आपको लगेगा कि वो क्लियर हो चुका है वो लास्ट के सेकंड या थर्ड एपिसोड में आपको लगेगा कि हाँ इस वजह से साहिल मतलब जो भी है वो इस वजह से हुआ है गायब या जो भी है, पर ट्रस्ट मी एंड का जो एपिसोड आएगा ना उसमें आप बोलोगे कि अबे ये क्या हुआ है, मतलब सब कुछ अलग डिफरेंट हो जाता है आखिरी के एपिसोड में और फिर ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है, जिसका मैं अब वेट करूँगा कि सीज़न टू कब आएगा। तो यार मैं आपको यही बोलूँगा कि इस सीरीज़ को देखो यार, बहुत अच्छी है, टैलेंटेड एक्टर्स है, सबकी काम अच्छा है, घर से काम किया है। मैं इस सीरीज़ को रेट भी नहीं करूँगा क्योंकि यार बहुत मेहनत से सीरीज़ बनी है, दिख रहा है वो सब कि कैसे उन्होंने काम किया है। और गाइस आपको बता दूँ कि मुझे जो थोड़ा बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा वो ये था कि यार कि आपको भी कहीं कहीं फील होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, कि जैसे कि वो हर छोटी छोटी बात पे वो लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं। अबे यार और जो एडवोकेट है जो क्रिमिनल है उससे भी वीडियो कॉल कर रहे हैं, मतलब फ़ोन पे भी बात हो सकती है ना, अलग अलग एंगल्स हो जाएंगे, ज़रूरी हमको वीडियो कॉल में ही उसका चेहरा दिखाओगे? तो वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा और आपको भी लगेगा मैं बोल रहा हूँ। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आपको लगेगी हाँ ये कुछ थोड़ा ज़्यादा है मतलब, पर फिर भी यार ट्रस्ट मी ये बहुत एपिक सीरीज़ है जिसको लेके मतलब आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे और आप इसको देखो, इसको अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो इस सीरीज़ को। सबसे अच्छी बात एक और ये है, इसको आप फैमिली के साथ देख सकते हो। तो यार इस सीरीज़ के लिए मैं आपको बोलूँगा कि जाके देखो, बस आपको मज़ा आ जाएगा। तो यार आज की मेरी वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।